आदरणीय एमपी सिंह साहब, पंत साहब और बैठे हुए हमारे बहुत वरिष्ठ लुप्टा के सदस्य और हमारे साथी और जो हमारे जूनियर कोलीग्स, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ बातें करना चाहूँगा। मैं 1977 बैच का हूँ, पी डी अवस्थी साहब मेरे बैचमेट हैं और मैं ग्राउंड वाटर फील्ड में करीब 40 साल मैंने काम किया, मैं सेवानिवृत्त हूँ। लुप्टा से हम लोग का जुड़ाव, मैं थोड़ा इसकी बहुत शॉर्ट में प्रस्तुति करता हूँ, बहुत से नए लोग होंगे। 2009 में आपने बताया सुमन झा थी, बहुत उन्होंने दिलचस्पी ली और इसको एक इसकी स्थापना कराई लुप्टा की। बहुत हम लोग बहुत सालों से डी बी वस्ती साहब से हम लोग बातें किया करते थे कैसे यहाँ पे कुछ एलुमनाई बने, तो अल्टीमेटली सुमन झा ने वो कर दिखाया और एक स्थापित हुई हमारी लुप्टा। जो 2010 से हमने एक रेगुलर मीट यहाँ पे एजीएम एनुअल हमारी जो मीट थी वो हम लोगों ने करना शुरू करा दिसंबर के महीने में, और एक बीच में एक साल गैप रहा, ये हमारी 10वीं एनुअल मीट है 2021। कुछ कोरोना का कई लोगों ने बताया कि एक बहुत ही कष्टदायक पीरियड हमारे बीच बीता, हम लोग जिन कष्टों से गुजरे, बहुत लोग हमने खोया, बहुत कष्टों में हम सब लोग निकले। ऊपर वाले की ये बाई ग्रेस ऑफ गॉड हम सब लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, और अगेन हम लोग ने इसको कोशिश करी। प्रोफेसर अजय मिश्रा जी ने बहुत इसमें, मैं कहूँगा कि आज का आयोजन में उन्होंने बहुत ज़्यादा रुचि लेके इसको ऑर्गेनाइज किया, और जो हमारा एक गैप था बीच में, हम लोगों ने इसको कई बार बात आ रही थी। हमारा एक लुप्टा का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत वाइब्रेंट है मैं कहना चाहूँगा। उसमें अजय जी ने उसमें कई सारे वो भी कहा कि इस तरह का होना चाहिए, कोई आपस में मनमुटाव ना हो, लेकिन हम मैं मानता हूँ वाइब्रेंट ग्रुप है और लोगों को भी इसमें जुड़ना चाहिए। मैं ये इसमें देखता हूँ कि कम लोगों के कमेंट्स आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए और जो हमारे साइंटिफिक वर्क है वो भी उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो कुछ इस तरह का है कि अभी एक आप हमारे बहुत वरिष्ठ बैठे हुए हैं कि उनका ये था कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे जो एडमिन हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं भी एडमिन हूँ, कि उनको जोड़ा जाए ऐसे लोगों को जो उसमें लुप्टा के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना चाहें, क्योंकि वो एक ऐसा माध्यम है जिसके जिसके जरिए हम जो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं लुप्टा की, एटलीस्ट हम उससे उसको जान सकते हैं। उसके अलावा जो भी हम और चीज़ें शेयर करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। तो एक तो लुप्टा को हम और वाइब्रेंट बनाएं, इसके अलावा जो लास्ट 3 अक्टूबर को हम लोगों ने, चूँकि सदस्यों को ये कहना था कि हम लोग फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, कम से कम ऑनलाइन एक मीटिंग करें, तो बहुत सारे लोगों ने जुड़े हुए उसमें। 3 अक्टूबर को हम लोगों ने एक ऑनलाइन एक मीट ऑर्गेनाइज की थी और बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत लोग दूर दूर से जुड़े, यूएस से भी जुड़े लोग, कनाडा से भी जुड़े, और अच्छी बातें उन्होंने अपने विचार रखे। उसमें कई सारी प्रोसीडिंग्स बनी, डॉक्टर रामेश्वर बली ने उसमें पूरी उसकी प्रोसीडिंग भी तैयार करी, हमारे जो समय पहले के चेयरमैन थे, और मुझे एक उसमें बहुत अपील करी अजय मिश्रा जी ने, जो सुझाव दिया मैं उससे इतफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम एक लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज करें, अगर हमें लुप्टा को एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है, तो हमें रेगुलर इंटरेक्शंस रखने पड़ेंगे और कोई ना कोई टेक्निकल प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। तो आपका ये कहना था कि ऐसे लेक्चर सीरीज करी जाए, तो उसको अगर हम लोग लुप्टा के प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाएं, आप लोग के मेम्बर्स के अगर सजेशंस हों तो कैसे बढ़ेगा, क्या उसकी मॉडलिटीज़ होंगी, क्या उसका रोड मैप होगा, वो हम सब लोग तय कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी या और लोग आप लोग को जो सजेशंस हों, क्योंकि ज़रूरत है कि एनुअल मीट के अलावा भी हम लोग आजकल वेब के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, वेबिनार हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 10, 12, 20, 25 हम लोग रेगुलर हर महीने 2 महीने पे जुड़ते रहें, कोशिश ये करनी चाहिए। तो इसके अलावा बाकी सजेशन एमपी सिंह साहब ने भी दिए, पंत साहब ने तो बहुत अच्छी बातें बताई हम लोग को, एक लर्निंग कैसे आगे बढ़ें और कैसे हम लुप्टा को स्ट्रेंथन करें। मेरा एक अनुरोध है कि मैंने ये चीज़ देखी कि अभी डेफिनेटली इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और उसमें केवल ये ना सोचा जाए कि लुप्टा की एग्जीक्यूटिव कमेटी ही इसको करेगी, आप लोग भी अपने लेवल पे आके इससे जुड़ें और इसको कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम वर्कशॉप कर सकते हैं ऑर्गेनाइज, हम इंटरेक्शन सीरीज, अब तो फिजिकल मीटिंग हमारी शुरू हो गई है लोगों की, तो कम से कम इस कोशिश ये करें कि अधिक से अधिक, बहुत सारे अभी हमारे मेंबर्स हैं जो डॉर्मेंट में पड़े हुए हैं, जिनको हमें निकालने की ज़रूरत है। मैंने भी कोशिश करी अपने बैचमेट्स को कि भाई आप लोग आइए, मैंने रेगुलर 2 बार उन लोग को कहा, लेकिन नहीं जुड़ रहे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन सबको जोड़ें। वो जुड़ना चाहते हैं लेकिन क्या झिझक है, क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक लखनऊ में ही हमारे बहुत बड़ा एक हमारा लुप्टा का मेंबर्स का एक बहुत बड़ा एक नंबर्स, अगर हम उसको काउंट करें काफ़ी लोग हमको जुड़ सकते हैं इसमें।
इसी के साथ मैं और आगे नहीं बढ़ाना चाहूँ अपनी बात को। एक दूसरा ये भी, मैं मेरा जो अध्यक्ष है हमारे लिबडा के, उनसे मेरा अनुरोध है कि हम लोग का जो टेन्योर हुआ है वो हमारा जो एक्सिक्यूटिव है इसका पूरा हो चुका है, तो अब कोशिश की जाए कि नए लोगों को जोड़ने के लिए जो इसका एक हमारे जो बायलॉज है उसमें जो इलेक्शन का प्रोसेस है, तो नई कार्यकारिणी गठन के लिए अगर इसका प्रोसेस स्टार्ट किया जाए जिससे नए लोग जुड़े उसमें और अपने को कंट्रीब्यूट कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।